530 हरियाणवी युवाओं ने इजराइल के लिए भरी उड़ान। हरियाणा सरकार के सहयोग से मंगलवार को 530 युवाओं के पहले जत्थे ने इजराइल के लिए उड़ान भरी है। दोस्तों, इजराइल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी है और उनसे बातचीत की है। युवाओं ने हरियाणा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री का आभार जताया। मनोहर लाल ने कहा कि इजराइल जाने वाले देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, इजराइल जाएंगे और वहां पर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बीते कुछ महीने पहले कई देशों ने भारत के पास अलग अलग कामों के लिए प्रोफेशनल्स की डिमांड भेजी थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ट्रेंड युवाओं को इजराइल भेजने का फैसला लिया था। हालांकि इसमें अन्य लोगों के लिए भी वैकेंसी ओपन थी, जिन्होंने हरियाणा रोजगार कौशल निगम में ट्रेनिंग नहीं ली थी, HKRNL में ट्रेनिंग नहीं ली थी, उनके लिए भी मौका था। विदेश जा रहे उन युवाओं को 1.37 लाख भारतीय रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 1,37,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। कई अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। पहले दौर की सफलता के बाद हरियाणा सरकार सेकेंड फेज की वैकेंसी निकालने की तैयारी में है। जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाएं। हालांकि वैकेंसी कब निकलेंगी इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्दी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बीतने के कुछ दिन बाद ही तुरंत प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जनवरी में 7 देशों में 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई थी। इसके लिए पद योग्यता और सैलरी सार्वजनिक कर दी गई थी। इसी तरह इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड आई है। फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, प्लास्टरिंग, सेरामिक टाइल, यरन बेंडिंग करने वालों की ज़रूरत है। इसके लिए 10वीं पास, 3 साल का अनुभव, उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए, ओवर टाइम भी मिलेगा, चिकित्सा बीमा, खाना और आवास के साथ साथ 1,37,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा। इन उम्मीदवारों को हर महीने 16,515 रुपये बोनस भी दिया जाएगा।